नाम क्या है आपका? सीमा शर्मा। सीमा जी, क्या परेशानी है, क्यों आज आपने पत्रकारों को बुलाया, क्या बात है? मैं पत्रकारों को, सारी मीडिया को, सबको ये बताना चाहती हूँ कि कल हमारे पति को और हमारे देवर को या घर के बिना किसी जांच के पकड़ा गया है, झूठे आरोप में वो बना के और उनको पकड़ा गया। किस तरीके का झूठा आरोप, क्या आरोप लगाया उनके ऊपर? उनपे डबल मर्डर केस बिजौली में जो हुआ था, जो कि बरौलिया, महेश बरौलिया और अपना बदला लेने के लिए, भतीजे का बदला लेने के लिए उन्होंने किया था, तो उसमें हमारे फैमिली के 5 मेंबरों के नाम लिखवाए थे जिसमें हमारे पति भी शामिल हैं। और तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी को आवेदन दिया कि हमारे पति को? सबको ये सारे आवेदनों की कॉपी हमारे पास है और कम से कम हमने 100-200 आवेदन दिए, तो उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। किसी भी अधिकारी, सब आश्वासन देते रहे पर किसी ने भी कोई जांच के ऑर्डर नहीं किए, कुछ नहीं किया। बस एक एसपी संतोष सिंह ने बस 373 के तहत जांच का बोला था कोर्ट में जाके, तो 173। एसपी संतोष सिंह जी के कार्यकाल का केस है ये? हाँ, 4 साल पहले का। तब से लेके अभी तक जांच चल रही है? अब घर में कौन कौन रह गए? कोई नहीं है, हमला भी कर दे तो हम पे कोई रक्षा करने वाला भी नहीं है, पुलिस फोर्स। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी यही मांग है और हमारे ये सब लोग न्याय मिले। तो दर्शकों, ये है ग्वालियर के उपनगर मुरार में 12 के पास रहते हैं और ये परिवार जो है यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ टीवी पर कि इस समय इस परिवार में सिर्फ महिलाएं ही रह गई हैं और इनके सभी पुरुष सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इनका कहना है कि पुलिस ने जो इनके पुरुष सदस्य हैं जो परिवार के, उनको जो गिरफ्तार किया है वो गलत किया है, गिरफ्तार वो बेकसूर हैं और उनको षड्यंत्र के पूर्वक उनको फंसाया गया है। भैया, सारा प्रशासन भी जानता है, सारे पुलिस वाले भी जानते हैं, सारे अधिकारी भी जानते हैं, सारे नेता सब जानते हैं। भैया, जो कुछ हुआ है वो जातिवाद, नेतागिरी, हर चीज हमारे पति के पीछे पड़ी हुई है और उसी की वजह से ये सब हुआ है। उनको झूठा फंसाया गया है और इसी चक्कर में उनकी नौकरी गई। तो इनका कहना है कि राजनीति का शिकार हुए मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली, तो आप भी किसी पार्टी से हैं क्या? आपके पति किसी पार्टी से हैं? नहीं, राजनीति से कोई कुछ संबंध ही नहीं है। तो फिर राजनीतिक षड्यंत्र क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है क्योंकि यहाँ ग्वालियर जिले में जातिवाद इतना फैला हुआ है तो उसी जातिवाद का शिकार हुई है पंडा फैमिली। ये बारादरी की पंडा फैमिली है और ये आरोपी शैलू शर्मा जो है उनकी माँ है। आज शैलू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माता जी, शैलू को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, तो आपका इस पे क्या कहना है? मैंने कैसी पुलिस फैमिली की, मेरे बच्चे झूठे पकड़ के क्यों ले जा रहे हो तुम? तो बोले कि हम माता जी, हमको मालूम है कि झूठे फंसाए आपके बच्चे, फिर अब हमारे लिए भी ऑर्डर है पकड़ना है हमको। जी, आपने इसके लिए कोई कानूनी रास्ता भी अपनाया है? सब कह रहे हैं पुलिस वाले कानूनी रास्ता तो अभी तक कोई नहीं। क्या हमको नहीं जा रहा, जानते थे कि भाई पुलिस जांच करेगी, जांच करेगी, हमको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला। और कल अचानक हमारे पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देख रहे हैं ये पंडा फैमिली बारादरी चौराहे पर रहती है और इस फैमिली में इस समय जो भी आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ महिलाएं नजर आ रही हैं और इनके सभी पुरुष सदस्य जो हैं वो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और एक गांव में जो कुछ विवाद चल रहा था उस विवाद के चलते इनका कहना है कि विवाद किसी और का था, किसी और से था, लेकिन षड्यंत्र के तहत हमारे परिवार के सदस्यों को फंसाया गया है, हमारे पतियों को उसमें फंसाया गया है, देवर को फंसाया गया है। हमारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, हम लोग को घर पे भी नहीं जाने देते, हमारे घर पे पुलिस का ताला लगा है, हमारे घर की चोरी कर ली, पूरी खड़ी हुई फसल बर्बाद कर दी सारी। तो क्या आप लोग डरे हुए हैं, क्या लगता है? डरे हुए, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे, हम उनको बाहर कैसे निकालें, कल को स्कूल कैसे जाएंगे, क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, अच्छा खाना नहीं खिला सकते। हमारी मम्मी जी कल से हमारे पति और देवर को पकड़ के ले गए, तब से कल से इनकी तबीयत खराब है। हम महिलाएं डॉक्टर पे ले जाए, जैसे कि आप
ने सुना अभी, इनका कहना है कि गांव के अंदर जो जमीन है उस जमीन पर खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, गांव में जो घर है वहां पर घर पर हम लोग नहीं रह पा रहे, इतने डरे हुए सहमे हुए ये परिवार के सभी लोग हैं, इतना डर इनके अंदर व्याप्त है। और अब चूंकि इस परिवार में सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं रह गई हैं, इसलिए इनका कहना है कि पुलिस हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करे और हमारे पति के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया, देवर के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया, उन आरोपों को निष्पक्षता के साथ जांच करें और जांच के बाद हमारे पति भाई जल्द रिहा हो जाएंगे, इनका ऐसा मानना है, क्योंकि इनका कहना है कि ये उसमें शामिल नहीं है, हमारी फैमिली का कोई भी तरह से शामिल नहीं है। जांच करें वो तो हमने अंदर गई थी या जस्टिस से मैंने बोला था कि जांच करो हमारे बच्चों की, वो गलत हो हमारे बच्चे तो तुम गोली लगा देना मेरे बच्चों में, तो बोलेंगे ऐसा थोड़ी लगाई जाती है माता की गोली, तो फिर झूठा आरोप भी कैसे लगाया था। हमने भी यही बोला कि हम जानते हैं, हमें दोष है, किसी के लिए हम देते रहे कि हम जानते हैं, हम जांच करवा रहे हैं, हम जांच करवा रहे हैं, ना जांच करवाई ना कुछ, और जाके कल अरेस्ट करवा दिया। तो दर्शकों आप लोग ये देख रहे हैं इस समय, ये पंडा फैमिली की महिलाएं जो कि डरी सहमी हुई अपने घर में रह रही हैं, और इनका कहना है कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए इनकी माताजी की तबीयत भी खराब बताई जा रही है, इनको अस्पताल ले जाने के लिए घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा हुआ है, और इनकी मांग है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से, ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक से, मीडिया से, इनकी सबसे मांग है, यही मांग है कि हमारे पति को, हमारी फैमिली को न्याय दिया जाए, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और सर जांच की जाए।